नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पी क्यू आर एस पवन में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं IPL 2019 के अगले मैच को, जो कि खेला जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच, जो 30 तारीख को ये मैच खेला जाएगा, जो कि बहुत ही रोमांचक होने की संभावना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। विकेट कीपर में दोस्तों आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, पूरी 4 ऑप्शंस रहेंगी, जैसे ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, ए बेंस और एन आई के, इन दोनों को का खेलना तो नामुमकिन है, इन्हें तो मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि दोनों ही एक कैप्टन है दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप कैप्टन, आपके पास विकेट कीपर्स की सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगी, दिन इसमें रहेंगे पंत को मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छे हिट्स लगाए, और दिनेश कार्तिक की जैसे बैटिंग करने का इन्हें मौका नहीं मिल रहा है तो हो सकता है अगले मैच में भी ऐसा ही हो। तो बिल्कुल आप पंत को मौका दे सकते हैं, यदि आप दिनेश कार्तिक को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी तगड़े हिटर है, इन्हें खेलने का मौका मिले तो ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे हिट्स लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अब चलते हैं देखिए बैटिंग की तरफ। बैटिंग में आपके पास ऑप्शन रहेंगे देखिए दोस्तों, शिखर धवन काफ़ी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, पिछले मैच में शानदार अर्धशतक लगाया था, उससे पिछले मैच में चूक गए थे। क्रिसलिन लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, कुछ खास सा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे लेकिन नाम बहुत बड़ा है दोस्तों, पिछले IPL में काफ़ी गजब का प्रदर्शन किया था, बिग बैश में भी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था, तो इनसे भी KKR को काफ़ी उम्मीदें रहेंगी तो आप बिल्कुल इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए उथप्पा अपने पहले मैच में अर्धशतक से चूक गए थे लेकिन पिछले मैच में शानदार 67 रन इन्होंने बनाए, तो लगातार 2 मैचों में लगातार अच्छी पारियां खेल चुके हैं। कॉलिन मुन तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं, रॉबिन उथप्पा को, और कॉलिन मुनरो इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है तो अभी तक नहीं खिलाया गया, तो मुश्किल लगता है कि यदि इन्हें मौका दिया जाता तो बिल्कुल आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, अच्छी फॉर्म से भी गुजर रहे हैं तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन रहती है आपके पास दिल्ली कैपिटल्स में, 1 डाउन आते हैं, कप्तान है टीम के, पहले मैच में काफ़ी अच्छे रन करे थे, पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन अपने नाम के मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा पृथ्वी शॉ शुरू में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, पिछली बार भी काफ़ी जल्दी इन्होंने 22 रन बना दिए थे लेकिन दुर्भाग्यवश फिर आउट हो गए, तो आप इन दोनों में से किसी एक को मौका दे सकते हैं, मैंने श्रेयस अय्यर को चुना है। और इसके अलावा देखिए बैटिंग में नितीश राणा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इन्होंने किया है, लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और इनके अर्धशतक का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है टीम की विजय में। इसके अलावा कॉलिन इनग्राम पहले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था लेकिन पिछले मैच में कुछ खासा नहीं कर पाए थे, जल्दी आउट हो गए थे। शुभम गिल पिछले मैच में तो इनकी बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले मैच में काफ़ी अच्छे छक्के इन्होंने लगाए थे, मैच विनिंग शॉट खेले थे, तो बिल्कुल आप इन्हें भी मौका दे सकते हैं। इसके अलावा यदि हनुमा विहारी को मौका दिया जाता है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, भारत की टीम से भी टेस्ट में डेब्यू कर चुके हैं, तो बिल्कुल यदि दिल्ली कैपिटल्स इन्हें एक मौका देती है तो आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड और एम कालरा शायद इन्हें मौका दिया जाए या नहीं, यदि दिया जाता है तो आप अपनी चॉइस के अनुसार इन्हें चुन सकते हैं। एक बैट्समैन दोस्तों जेडनली इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनकी पिछली सीरीज़ गई थी उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था, तो बिल्कुल आप इन्हें भी यदि मौका देती KKR इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें मौका दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए चलते हैं ऑलराउंडर्स में आपके पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस रहेंगी, शुरू में देख लीजिए आप सुनील नारायण पिछले मैच में काफ़ी तकड़ी बैटिंग इन्होंने की, काफ़ी अच्छा स्टार्ट इन्होंने KKR को दिया। इसके अलावा रसल से तो आप सभी कोई अनजान नहीं होगा, पहले मैच में 49 रन और दूसरे मैच में 16 गेंदों में इन्होंने 48 रन बना दिए थे, उसके बाद विकेट भी ली हैं, पिछले मैच में भी 2 विकेट्स ली हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इनमें से किसी को मौका दे सकते हैं। नारायण भी यदि इन्हें टर्न मिलती है पिच से तो बिल्कुल बहुत बड़े बॉलर हैं फिर तो, लेकिन अभी उतनी धार इनकी बॉलिंग में नहीं दिखाई दे रही क्योंकि टर्न वाली पिचें इन्हें नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिस मॉरिस बहुत तकड़े दिल्ली के लिए ऑलराउंडर है, लगातार दिल्ली इन्हें अपनी टीम में जगह देती है, तो अब तो शायद ये अभी अगला मैच जरूर इन्हें दिल्ली खिलाएगी क्योंकि पिछले मैच में हारी है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी दिल्ली, तो इन्हें मौका दे सकती है, तो यदि इन्हें मौका दिया जाता है तो बिल्कुल आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लंबे लंबे छक्के लगाने में भी काबिल हैं और विकेट भी लेते हैं दोस्तों, विकेट टेकर भी है। इसके अलावा ऑप्शन रहेगी आपके पास अक्षर पटेल,
विकेट टेकर बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और बैटिंग करने का भी इन्हें मौका लगातार मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। 24.5 पॉइंट हैं इनके। इसके अलावा तेवतिया ने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, विकेट से नहीं ले पाए थे लेकिन बैटिंग का मौका मिलता है तो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं ये, तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए कीमो पॉल अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद दिल्ली इन्हें क्रिस मॉरिस से रिप्लेस कर सकती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल मॉरिस को मौका दे सकती है दिल्ली, तो आप यदि इन्हें मौका देती है तो इन्हें आप बिल्कुल चयन कर सकते हैं क्योंकि काबिलियत है इनमें लंबे शॉट बड़े शॉट खेलने की विकेट लेने की, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा चलिए आगे बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास देखिए यादव, कुलदीप यादव ऑप्शन है, अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अभी तक दो मैचों में एक विकेट नहीं ले पाए हैं। होते हैं कुछ दिन कुछ मैचेस किसी प्लेयर के ख़राब चले जाते हैं, तो बिल्कुल इससे ये नहीं होता कि ये कोई बड़े बॉलर नहीं रहे हैं, बिल्कुल यदि इन्हें मौका दिया जाता है बिल्कुल इनमें काबिलियत है विकेट लेने की, यदि आप इन्हें मौका देना चाह रहे हैं बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि ये विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा देखिए ऑप्शन आती है आपका रबाडा, कंगिसो रबाडा लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट हर मैच में लिए हैं इन्होंने, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं। पीयूष चावला अपने नाम के मुताबिक लगातार बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने किया है, पिछले मैच में भी विकेट ली, उससे पहले मैच में भी विकेट ली है अपनी टीम के लिए और अहम मोड़ पे अपनी टीम के लिए विकेट से इन्होंने निकाली है जिस समय टीम को ज़रूरत थी, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए लोकी फर्ग्यूसन काफ़ी बड़े बहुत तगड़े पेसर हैं, यदि आपने पिछला मैच पंजाब के साथ देखा हो तो केएल राहुल की अहम विकेट इन्होंने दूसरी ओवर में निकाल दी थी, तो वो भी अपनी पेस से उन्हें बीट किया था, यानी बहुत ज़्यादा पेस इनके पास, यदि पेस के साथ स्विंग मिलती है तो फिर तो बहुत घातक बॉलर बन जाते हैं। इसके अलावा आपके पास देखिए ऑप्शन रहेगी ईशांत शर्मा, लगातार विकेटें ले रहे हैं, पहले मैच में विकेटें ली इन्होंने, दूसरे मैच में विकेट्स ली हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास रहेगी ऑप्शन अमित मिश्रा, जिन्हें कि पहले मैच में बिल्कुल दिल्ली ने मौका नहीं दिया था लेकिन दूसरे मैच में इन्हें मौका दिया तो इन्होंने दो विकेटें अहम विकेटें निकाल कर इन्होंने अपनी टीम के लिए दी, अगर स्कोर थोड़ा ज़्यादा होता तो बिल्कुल ये अपनी टीम को जीत भी दिला देते, लेकिन अफसोस ये ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल जब इन्हें मौका दिया गया इन्होंने बिल्कुल विकेटें ली है, और यदि IPL के इतिहास में देखा जाए तो एक ग्राउंड पर सब विकेट लेने में ये सिर्फ मलिंगा से पीछे हैं, विकेट टेकर बॉलर है, आप बिल्कुल इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, पिछले मैच में इन्हें मौका नहीं दिया गया लेकिन दिल्ली शायद इस मैच में इन्हें जरूर मौका देना चाहेगी क्योंकि बहुत बड़े बॉलर हैं ये भी, इन्हें मौका ना देना भी शायद दिल्ली पिछली बार गलत कर गई जो इन्हें दिल्ली ने मौका नहीं दिया, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे बॉलर है, एक मैच से हम किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, तो यदि आप ट्रेंट बोल्ट को खिलाना चाहते हैं बिल्कुल इन्हें भी मौका दे सकते हैं। लेमिचने भी एक ऑप्शन रहती है दोस्तों, ये प्लेयर ये बिल्कुल एक ऑप्शन है, वेस्ट इंडीज़ के बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं, यदि दिल्ली ने मौका देती है बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि यदि आपने CPL देखा हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें लगातार विकेट इन्होंने अपने जिस मैच में इन्हें खिलाया जाता था विकेटें लेते थे, और बिग बैश में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, जैसे कि कृष्णा, इन्हें लगातार KKR मौका दे रही है, लगातार एक थोड़ा खासा प्रभावित नहीं कर पाए हैं लेकिन अपने ओवर काफ़ी अच्छे से निकाल देते हैं, किफ़ायती अपने ओवर निकाल देते हैं ये, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जैसे ए खान, यदि इन्हें मौका देती है दिल्ली, या हर्षद पटेल किसी को मौका देती है, तो आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं किसी को भी, बिल्कुल बाकी जो ऑप्शंस रहेंगी मेनली वो तो यही रहेंगी, रबाडा, कुलदीप यादव, पीयूष चावला और हेनरी गर्नर, ये भी देखिए काफ़ी तगड़े बॉलर है, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, यदि KKR इन्हें मौका देती है, मुझे नहीं लगता कि मौका देगी, यदि देती है तो आप इन्हें बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेनली तो यही ऑप्शन रहेगी, लोकी फर्ग्यूसन, ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा, ट्रेंट बोल्ट, तो यही ऑप्शन रहेगी, आप इनमें से ही अपने बॉलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।